चलिए तो फंक्शन है देखो x प्लस वन होल क्यूब इंटू एक्स माइनस थ्री होल क्यूब, ये फंक्शन है। और एग्जाम में क्या लिखा हुआ आएगा, बिल्कुल लैंग्वेज ये लिखी जाएगी, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब आपने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, मान लो एग्जाम में सबसे पहले आपने क्या किया, क्वेश्चन पेपर से या क्वेश्चन बुक से जहां से भी आप क्वेश्चन कर रहे हो फंक्शन को नोट डाउन कर लिया। ये मैंने भी देखो फंक्शन को नोट डाउन किया, ठीक है। अब उसके बाद अगले स्टेप ने आपने इसका डिफरेंशिएशन करना है, बस ये ध्यान से करना है, गलत मत कर देना इसको। तो यहाँ पे मैं लगाने जा रहा हूँ देखो प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, तो मैं क्या करूँगा पहले फर्स्ट ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ। तो थ्री मेरा आगे आ जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, और चेन रूल कहता है भी एक्स प्लस वन का भी करना, तो एक्स प्लस वन का मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तो वन आ रहा है। अच्छा, उसके साथ में एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब एज इट इज रहेगा, प्लस का साइन लगाएंगे। अब एक्स माइनस थ्री के होल क्यूब का डेरिवेटिव ले रहा हूँ मैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही, थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, और x माइनस थ्री का अलग से करोगे तो वन आएगा, हम लिखेंगे नहीं, और साथ में उसके x प्लस वन का क्यूब आएगा। ये है हमारे फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव, पहला स्टेप। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बोलो, तो मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। नो सर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है? श्योर? क्या मैं चलूं आगे? यस सर। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, बड़ा लंबा सा लग रहा है। अच्छा, मुझे दोनों पार्ट्स में जरा कॉमन देख के बताओ भी क्या क्या कॉमन है, पहले पार्ट में दूसरे पार्ट, एक तो थ्री एक्स प्लस वन होल स्क्वायर और एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल ये कॉमन हो गया। देखते हैं अंदर क्या बचेगा। फर्स्ट टर्म में मेरे ख्याल से तो एक एक्स माइनस थ्री बचेगा, एम आई राइट? यहाँ पे देखो यहाँ से, और प्लस सेकेंड टर्म में मेरे ख्याल से एक एक्स प्लस वन बचेगा, एक्स प्लस वन। चलो अब मैं इसको फाइनली लिखने जा रहा हूँ, फाइनली जो f' x है, 3 इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, और जो मेरा थर्ड ब्रैकेट है उसमें मेरा आ रहा है 2x माइनस टू, ये मेरा एक फाइनल f' x है। तो मेरे तीन स्टेप में जाके f' x मेरा फाइनली सॉल्व हुआ है। आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, मैं यहाँ पे स्टे करता हूँ कुछ सेकेंड्स। नो सर। श्योर सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, तो अब मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट स्टेप में। अब आपको क्या करना है, पहले तो इस फंक्शन के टर्निंग पॉइंट्स पता लगाने हैं, कहाँ कहाँ से ये फंक्शन टर्न करेगा। अब याद करके बताओ टर्निंग पॉइंट्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था। सर एक बारी वो दोबारा बता दो, मेरा यार कनेक्शन चला गया। कोई बात नहीं, मैं फिर बताता हूँ। देखो हमने इसका सबसे पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो मैंने देखा कि ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में एक स्पेशल रूल अप्लाई करते हैं जिसको आप बोलते हो प्रोडक्ट रूल, लिबनीट्स प्रोडक्ट रूल। कैसे अप्लाई होता है प्रोडक्ट रूल, किसी पहले एक फंक्शन का डेरिवेटिव करो। मैंने पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव किया, देखो थ्री पावर आगे आई, एक्स प्लस वन सेम लिखा, उसकी पावर लेस करके टू हो गई, और एक्स प्लस वन का अलग से भी किया, देखो थ्री पावर आ गई, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और इस एक्स प्लस वन का अलग से करोगे मल्टीप्लाई में तो खाली वन आएगा, क्योंकि वन का तो जीरो हो जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा, तो वन हमने शो नहीं किया यहाँ पे। साथ में एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब सेम लिखा गया, फिर उसके बाद रूल कहता है कि प्लस का साइन लगाओ। अब दूसरे वाले फंक्शन का करना, पहले का तो कर लिया आपने, अब हमने x माइनस थ्री होल क्यूब का डेरिवेटिव निकाला, वो ये आ गया 3 इंटू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, साथ में x प्लस वन का होल क्यूब एज इट इज उतार दिया गया। डिफरेंशिएशन तो कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा एलजेब्रा लगाया, कॉमन ले लिया। कॉमन क्या क्या लिया, 3 कॉमन लिया, एक x प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन लिया, एक x माइनस थ्री का होल स्क्वायर कॉमन लिया, बचा हुआ ब्रैकेट में लिख दिया और उसको भी सॉल्व करके बना दिया 2x माइनस टू। क्लियर? यस सर, एक सेकंड नोट कर लो। हाँ नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करने के लिए दूंगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। मैंने पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उठाया है, ये आपका सीबीएसई बोर्ड में दो बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आर डी शर्मा में ना 2:40 में प्रिंट हो रखे हैं। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैंने जब आपको स्टार्टिंग करवाई थी ना चैप्टर की, तो मैंने कुछ ऐसे ग्राफ बना के दिखाया था आपको, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, जैसे ये y एक्सिस बनाई थी, इधर ये x एक्सिस, कोई भी फंक्शन ऊपर नीचे लहर की तरह से चलता है कई बार, जैसे ये चलता है फिर नीचे आता है फिर ये ऊपर आता है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है। तो यहाँ जो पॉइंट्स होते हैं, देखो ये जो मैं पॉइंट प्लॉट कर रहा हूँ, ये कहलाते हैं फंक्शन के टर्निंग पॉइंट्स। ये जैसे मैंने ए बी सी तीन पॉइंट बनाए हैं, इनको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट्स। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब आप इन पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, जैसे आपने एक टेंजेंट देखो यहाँ ड्रॉ कर ली ए पॉइंट पे, एक आपने टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर ली देखो बी पॉइंट पे, एक आपने टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर ली,
तो ये तीनों टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ क्या रिलेशन बनाती हैं? पैरेलल। और मैंने आपको बताया था कि जब कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप क्या होता है? जीरो, है ना। तो इन शॉर्ट, बहुत छोटी सी बात अगर मैं बोलूं, अगर आपको ये टर्निंग पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, कितने टर्निंग पॉइंट्स हैं, दो हैं तीन हैं मुझे भी नहीं पता, अगर आपको ये फाइंड आउट करने हैं तो आपका जो ये जो एफ डैश एक्स है ना, ये स्लोप है टेंजेंट का, इसको आप जीरो के इक्वल रख दो। अच्छा, अब जरा देखो हमारा एफ डैश एक्स है क्या, पीछे से नोट डाउन कर लेता हूँ मैं। एक तो था थ्री, क्या था एक बार आप बोल देना जरा, ठीक है, और साथ में क्या था, एक एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, टू एक्स माइनस टू। तो ये आपका पूरा एफ डैश एक्स, आपने इसको जीरो के इक्वल रख लिया। अब मुझे हर ब्रैकेट से जरा एक्स की वैल्यू बोल देना, क्या क्या आएंगी हर ब्रैकेट से, पहले वाले ब्रैकेट से, पहले वाले ब्रैकेट से एक्स की वैल्यू बताओ भाई। पहले वाले ब्रैकेट से अगर हम इसको जीरो से इक्वेट करें फर्स्ट ब्रैकेट को, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? माइनस वन। माइनस वन। दूसरे ब्रैकेट से बताओ, थ्री। थ्री। तीसरे ब्रैकेट से बताओ, वन। वन। बस ये टर्निंग पॉइंट्स हो गए। अच्छा, अब क्या काम है आगे का? आगे का काम ये है, अब आपको एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ऐसी पेन से ड्रॉ कर लेना है, स्केल की जरूरत नहीं होती है। और नंबर लाइन के दोनों साइड पे आपको ऐसे एरो लगाना है, इधर आपको लिखना है प्लस इन्फिनिटी, इधर लिखना है माइनस इन्फिनिटी। अब इस नंबर लाइन पे ये तीनों टर्निंग पॉइंट प्लॉट करने हैं, लेकिन ध्यान से जरा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आते वक्त छोटे सा बड़ा लेंगे, सबसे छोटा माइनस वन, उससे बड़ा मैंने लिया प्लस वन, उससे बड़ा लिया मैंने थ्री, ऐसे, ठीक है। तो आपकी नंबर लाइन देखा जाए तो चार टुकड़ों में डिवाइड हो गई है, देखो वन टू थ्री फोर, यही वो इंटरवल्स हैं जिनका हमें पता लगाना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल बनाना है, इधर को लिखेंगे आप इंटरवल्स, ठीक है, टेबल की पहली कॉलम की हेडिंग होगी, उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे टेस्ट वैल्यू, ये मैंने एक्स्ट्रा कॉलम बनवाया है आपसे, एनसीईआरटी में नहीं है ये कॉलम। फिर आप यहाँ लिखेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का साइन चेक करेंगे, और उसके बाद फोर्थ नंबर में आएगा नेचर ऑफ द फंक्शन या खाली नेचर, ठीक है। अब देखो पहले इंटरवल आप बनाएंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस वन का ओपन इंटरवल, मुझे इस इंटरवल में से कोई एक नंबर बोलो जरा, ऐसा नंबर जो छोटा हो माइनस वन से, माइनस टू ले लिया मैंने, माइनस टू। अब इस माइनस टू को ये जो आपका एफ डैश एक्स है ना, देखो ये वाला, इसमें जरा पुट करो, देखो कैसे पुट करेंगे, थ्री का तो थ्री लिखो, जरा बताना जब यहाँ पे माइनस टू में प्लस वन करके होल स्क्वायर करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? सर ये पूरा पॉजिटिव आ रहा है, पूरा पॉजिटिव आएगा। अच्छा दूसरा बताओ, मैंने पहला ब्रैकेट चेक किया, मेरे को दूसरा बताओ, माइनस टू पुट, दूसरा भी पॉजिटिव आएगा। अब मुझे तीसरा ब्रैकेट बताओ माइनस टू पुट करके, वो भी पॉजिटिव है, दोबारा देख लो, नहीं वो नेगेटिव, नेगेटिव वो नेगेटिव है, है ना। तो पहले दो ब्रैकेट पॉजिटिव, तीसरा ब्रैकेट नेगेटिव, और अगर ये सारे मल्टीप्लाई हो जाए तो नेगेटिव, नेगेटिव यानी लेस देन जीरो। अब जरा सोच के बताओ, जब टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव होता है तो वो एक्यूट एंगल बनाती है ऑब्ट्यूस एंगल बनाती है? नेगेटिव हो गया स्लोप, ऑब्ट्यूस, और अगर वो ऑब्ट्यूस बनाती है तो शायद वो टेंजेंट कुछ ऐसे रही होगी, देखो यहाँ मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसी रफली ग्राफ पे, वो शायद ऐसे कहीं टच कर रही होगी। तो बताओ अगर वो ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है और ऐसे टच कर रही होगी तो ग्राफ की नेचर कैसी होनी चाहिए? यस, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली लिख के ना ऐसे डाउनवर्ड एरो बना दो। तो पहला इंटरवल हमने टीचर को चेक करके बता दिया कि देखो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन में इसका ग्राफ नीचे आया होगा, कंफर्म बात है। अब दूसरा इंटरवल माइनस वन से वन का, कोई टेस्ट वैल्यू बोलो, जीरो। जीरो। चलो जी फिर से शुरू करते हैं, थ्री के साथ पहले ब्रैकेट में जीरो पुट करेंगे पॉजिटिव, दूसरे में पुट करेंगे पॉजिटिव, तीसरे में पुट करेंगे नेगेटिव, फिर से नेगेटिव आ रहा है, फिर से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तीसरा इंटरवल वन और थ्री के बीच में कोई टेस्ट वैल्यू बोलो, टू। पहला ब्रैकेट पॉजिटिव, दूसरा ब्रैकेट पॉजिटिव, तीसरा ब्रैकेट आप बताओ, पॉजिटिव। फाइनल रिजल्ट निकालोगे पॉजिटिव, इस बार हो गई आपकी नेचर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक लास्ट इंटरवल और बचा है, वो भी शो कर दो, थ्री से इन्फिनिटी तक टेस्ट वैल्यू बोलो, फोर ले लो, फोर ले ली। पहला ब्रैकेट पॉजिटिव, दूसरा ब्रैकेट पॉजिटिव, तीसरा भी पॉजिटिव, ये फिर से ग्रेटर देन जीरो, फिर से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब आपने जो नंबर लाइन बनाई थी ना, इसके ऊपर भी प्लस माइनस के साइन शो कर देना, टीचर को चेक करना है, कर लेंगे भाई, हमें क्या दिक्कत है। माइनस माइनस
प्लस प्लस, ये कंप्लीट क्वेश्चन है। अब इसमें कहीं भी टीचर आपके 0.5 भी कट नहीं कर सकते। और मैं आपको बताता हूं, देखो ये कॉपी बोर्ड में कैसे चेक होगी। अब सपोज करो आपने सॉल्यूशन मुझे ऐसे करके दिया, ठीक है, और मैं बोर्ड में कॉपी चेक करने बैठ गया। अब मैं कैसे चेक करूंगा, देखो कॉपी मैं कहां का राइट टिक लगाऊंगा, मैं आपका फंक्शन रीड कर लूंगा, ठीक है, चलो फंक्शन तो उतारा है, मैं ये कुछ नहीं देखूंगा आपने डिफरेंशिएशन कैसे किया है, मेरे को नहीं मतलब, मैं यहां टिक लगाऊंगा रेड मार्क, मेरा डिफरेंशिएशन आपके डिफरेंशिएशन से मैच हो गया। फिर मैं पेज टर्न करूंगा, मैं आपने जीरो लिखा है, ठीक है, चलो लिखा है, बढ़िया बात है, इसका नंबर दूंगा मैं आपको। अब मैं आपकी चेक करूंगा एक्स की तीनों वैल्यूज, यहाँ टिक लगेगा। फिर नंबर लाइन पे आपने इनको प्लॉट किया, ठीक है। अब मैं सीधा आऊंगा इंटरवल्स पे, मैं इंटरवल सारे आपके टिक लगाऊंगा अपने ब्लूप्रिंट से देखकर। ये कुछ नहीं देखूंगा मैं, ना तो मैं आपकी टेस्ट वैल्यू देखूंगा, ना आपका ये वाला कॉलम देखूंगा साइन ऑफ एफ एक्स, ये तो सिर्फ दिखावे के लिए है, आपको लिखने हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपकी नेचर अपने ब्लूप्रिंट से मैच करूंगा और मैं आपको यहाँ पे इस तरह से मार्क्स दूंगा। तो जहां जहां मैंने रेड टिक लगाए वहीं वहीं पे टीचर आपके क्वेश्चन को चेक करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि टीचर ने मेरा ये नहीं देखना है तो मैं ना लिखूं, हमें तो पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करके लिखना है, क्योंकि टीचर के पास ना बहुत कॉपीज है चेक करने के लिए, वो एक एक वर्ड को चेक नहीं कर सकते आपके, वो मेन मेन पॉइंट चेक करके मार्क्स देते हैं। अभी बताओ इस क्वेश्चन के प्रोसीजर में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप मुझे बताएं भाई x की वैल्यू कैसे निकाली है। देखो आपने जब f' x निकाल लिया था, ये हमारा f' x आ गया था, देखो ये आ गया था ना हमारा 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 3 का होल स्क्वायर और 2x माइनस 2, इसको 0 के इक्वल लग दिया। अब एक एक करके ब्रैकेट को 0 के इक्वल लगते चले जाओ। देखो पहला ब्रैकेट है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मन में रखा हमने इसको 0 के इक्वल, जब हमने इसको 0 के इक्वल रखा तो फिर x प्लस 1 भी 0 हो गया। फिर हमने देखा x की वैल्यू यहाँ से माइनस 1 आ गई, देखो ये आ गई माइनस 1। दूसरे ब्रैकेट को अगर हम 0 से इक्वेट करते हैं तो x की वैल्यू 3 आ गई। तीसरे ब्रैकेट को जब 0 से इक्वेट करते हैं तो x की वैल्यू 1 आ गई। वैल्यू 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, वो तो हम देखेंगे कैंस कैसे आ रही है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा दे रहा हूँ भाई, ठीक है, सेम पैटर्न का दूंगा। देखो आप बिल्कुल ऐसे लिखना है, इसमें लिखने में कोई कमी मत करना, उतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी फिर। तो अब आप लिखो क्वेश्चन नंबर 2, मैं सिर्फ फंक्शन चेंज करूंगा, हेडिंग सेम रहेगी। फंक्शन आप नोट कर लो, x माइनस 1 होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। जरा इसके इंटरवल चेक करके बताओ कहाँ कहाँ ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कहाँ कहाँ ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। पहले डिफरेंशिएशन कर लेना, अगर डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है ना तो मुझे बता देना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। डिफरेंशिएशन हो गया? यस सर। यस सर। तो एक बार जरा वही चेक करवा दो, एक बार चेक कर लेते ना, पता चला गलत हो रहा है, कोई एक बच्चा बोल दो आंसर, मैं लिख चेक कर लेता हूँ सब कुछ पूरा सॉल्व करने के बाद, बता ना मतलब कॉमन माइनस 2 x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर 5x माइनस 8 करेक्ट एकदम, यही बुक से मैच भी हो रहा है भाई आपका। क्या मैं एक्सप्लेन करूं बच्चों, किसी को नहीं आया तो? अरे कॉमन में कैसे लेंगे? अच्छा मैं एक बार फिर समझाता हूं, चलो ठीक है, एक बार फिर से देखो। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, फंक्शन को नोट डाउन किया गया, पहला काम पूरा हो गया और उसके बाद अब डिफरेंशिएशन की बारी आती है।
हमने लिखा एफ डैश एक्स, तो सबसे पहले मैं पहले वाले ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ जो नजर आ रहा है मुझे, 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और x माइनस 1 का 1 आएगा, लिखेंगे नहीं, साथ में लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, इस बार x माइनस 2 होल स्क्वायर का पहले करेंगे, तो 2 पावर आगे लाकर यहाँ रह जाएगी x माइनस 2 की होल पावर 1, और साथ में आ जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब। डिफरेंशिएशन हो गया, अब शुरू होता है भाई कॉमन का प्रोसेस, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1 का होल क्यूब। देखो इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम लोग x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही देखो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये x माइनस 2, तो हम कॉमन ले सकते हैं एक x माइनस 2। अब देखते हैं ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक तो 3 बचेगा भाई और साथ में बचेगा x माइनस 2, राइट, और 2 के साथ अगर अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 1। चलो जी आगे चलते हैं, ये सेम लिखिए हमने जो कॉमन था ना, इसको तो सेम लिख लो। अब अंदर का जरा ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, ये आएगा 3x माइनस 6 और ये 2x माइनस 2, तो फाइनली एफ डैश एक्स हमारा तैयार हो गया है, x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 5x माइनस 8, ये रहा एफ डैश एक्स। बस ये एफ डैश एक्स आपका सही निकलना चाहिए, क्योंकि अगर ये गलत होता है तो आपके टर्निंग पॉइंट्स भी गलत हो जाएंगे, उसके आगे क्वेश्चन चेक नहीं किया जाएगा, वो वहीं तक चेक होगा फिर बस। चलो अब आपने क्या लिखना है इसके बाद, पुट करना है आपको एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो डायरेक्ट बोल दो मेरे को वैल्यूज, दैट इंप्लाइज करके बोल दो, पहले ब्रैकेट से बोलो एक्स की वैल्यू 1, दूसरे ब्रैकेट से बोलो 2, और तीसरे ब्रैकेट से 8/5, बस हो गया काम। अब शुरू करो, नंबर लाइन पे डालो इन वैल्यूज को, इंटरवल्स बनाओ नंबर लाइन पे, लेकिन ध्यान से डालना है, लेफ्ट से राइट आते वक्त छोटे से बड़े की तरफ जाना है, इन तीनों में सबसे छोटा सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में आएगा, फिर इन तीन में से जो बीच वाला है वो बीच में आएगा, और एक्सट्रीम राइट में जाएगा सबसे बड़ा वाला। सर डन डन, ओके, तो मैं एक नंबर भी ड्रॉ कर लेता हूँ, आपने भी ड्रॉ की होगी भाई, सर डन। एक्सट्रीम मेरे ख्याल से लेफ्ट में माइनस 1 है ना, या 1 है, क्या वैल्यू है सर? 1 है, 1 से बड़ा कौन है फिर, 1 से बड़ा कौन लिया, 8/5 लिया, 2 नहीं बेटा, 1 से बड़ा तो 8/5 है, 8/5 और उससे बड़ा 2 है, देखो भाई 8/5 को डेसिमल में करके देख लो, ये 1.6 ही तो आएगा, तो ये 1 और 2 के बीच में लिखा जाएगा, है ना, तो ये आगे पीछे ना हो जाए वरना इंटरवल तो जाएंगे ना फिर। अब अपना यहाँ पे हेडिंग लगाना शुरू कर दो, एक पहले हेडिंग आएगी इंटरवल्स की, ठीक है, फिर आएगा आपकी टेस्ट वैल्यू, आप किस वैल्यू को टेस्ट करना चाहते हो इस इंटरवल में से, फिर आएगा आपका साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स आएगा फिर आपका, ऑलराइट, और उसके बाद आएगा आपका लास्ट में नेचर, ये हो गया। अब इंटरवल्स देख लो, यहाँ पे माइनस इनफिनिटी से 1, कोई नंबर बोलोगे मुझे 1 से छोटा, कोई भी चलेगा, चलो जी 0। अब इस 0 को कहाँ डालना है, एफ डैश एक्स में डालना है, मैं जरा एफ डैश एक्स पीछे से कॉपी कर लेता हूँ, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर है, और फिर एक्स माइनस 2 है, और फिर 5x माइनस 8 है। चलो जरा तीनों ब्रैकेट में x को 0 डाल के बताओ, पहले ब्रैकेट में 0 डालोगे तो क्या आएगा, पहले वाले ब्रैकेट पॉजिटिव आएगा, दूसरे वाले ब्रैकेट में 0 डालो x की जगह क्या आएगा, नेगेटिव, और तीसरा वाला नेगेटिव, तो सारा मल्टीप्लाई करके क्या बन गया साइन, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, है ना, पॉजिटिव नेचर हो गई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब दूसरा इंटरवल ले लो 1 और, हाँ जी बोलो सर, ये पॉजिटिव नहीं आ रहा थर्ड वैल्यू, कैसे, जरा 0 पुट करना 5x माइनस 8 में, जरा 0 पुट कर दो x को, क्या बचा सर वहां पे, तो माइनस 8 ही बच रहा है, तो नेगेटिव बचा ना, इसका मतलब तो सर यहां पे 0 माइनस 2 में भी तो है, हाँ तो देखो ना, पहला ब्रैकेट तो होल स्क्वायर है, चलो वो तो पॉजिटिव है, दूसरा ब्रैकेट नेगेटिव है, देखो ये रहा मेरा, तीसरा ब्रैकेट भी मेरा नेगेटिव है, और पहला ब्रैकेट मेरा पॉजिटिव है, तो जब ये सारा मल्टीप्लाई हो गया तो पॉजिटिव ही आएगा आंसर, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हां अगर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो पॉजिटिव ही बनेगा। चलो मुझे नेक्स्ट इंटरवल में टेस्ट वैल्यू बोलो कोई,
ये वन है और ये वन है। मेरे तो ऊपर तीनों प्लस में आ रहे हैं, माइनस टू दिया था मैंने। बेटा वन से छोटा माइनस टू लिया है, चलो मैं आपको रख के दिखाता हूँ, ठीक है? देखो मैं आपको ना माइनस टू पुट करके दिखाता हूँ। मैंने पहले ब्रैकेट में माइनस टू पुट किया, तो देखो ये माइनस टू माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है? अब मैंने दूसरे ब्रैकेट में माइनस टू पुट किया, तो ये माइनस टू हो गया। मैंने तीसरे ब्रैकेट में माइनस टू पुट किया, तो ये माइनस टेन माइनस एट हो गया। अब मैंने सॉल्व किया, ये तो है मेरा माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ये तो बन गया मेरा प्लस नाइन। दूसरा नंबर मेरा बन गया माइनस फोर और तीसरा नंबर मेरा बन गया माइनस एटीन। अब देखो मेरा पहला ब्रैकेट पॉजिटिव आया है, दूसरा ब्रैकेट नेगेटिव आया है, तीसरा भी नेगेटिव आया है। आप भी चेक कर सकते हो अपना, ओके सर, है ना? हाँ सर, मेरे गलती हुई। ओके, तो देखो फाइनली आंसर तो इसका पॉजिटिव ही आएगा। अगर आप इस इंटरवल में से कुछ भी पुट करोगे, माइनस टू पुट कर लो, माइनस थ्री पुट कर लो, जीरो पुट कर लो, आएगा तो पॉजिटिव ही है। अब मुझे यहाँ पे बताओ कोई टेस्ट वैल्यू कौन सी क्या है? 6/5 कितना हो गया? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ना। 6/5, 5 बन जा 5, पॉइंट लगाया 0, 5 1.2, ठीक है भाई, 1.2 इसके बीच में लाई करेगा, तो लो 1.2 ही लिख लेते हैं ना, उसमें क्या बात है? किसने देखी थोड़ी है हमारी वैल्यू, हम तो दिखाने के लिए लिख रहे हैं, फिर भी लिख दी, चलो हमने 1.2। अब जरा पुट करना शुरू करो, पहला ब्रैकेट बताओ जी। नेगेटिव। पहला ब्रैकेट पॉजिटिव। एक्चुअली ना मेरे हिसाब से ना पहला ब्रैकेट मेरा ये है, हो सकता है आपके हिसाब से आपका दूसरा वाला ब्रैकेट हो, तो इसलिए आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। जैसे मेरे तो तीन ब्रैकेट ही है ना इस ऑर्डर में है मेरे, तो मेरा पहला ब्रैकेट पॉजिटिव, और अगर मैं 1.2 रखूं दूसरे ब्रैकेट में तो नेगेटिव, और तीसरे ब्रैकेट में नेगेटिव। अच्छा, तो ये तो फिर से पॉजिटिव हो गया। फाइनली फिर से आप लिख दो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गई नेचर। चलो आप बताओ थर्ड वाला, 1.6 और 2 के बीच में कोई वैल्यू? 9/5 यानी कि 1.8 कह देते हैं, ठीक है? 1.8 रखना शुरू करेंगे। चलो पहला ब्रैकेट पॉजिटिव, दूसरा ब्रैकेट नेगेटिव, तीसरा ब्रैकेट देखना पॉजिटिव, तो फाइनल जो मेरा साइन बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, तो नेचर हो गई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक लास्ट और बचा है, इसको और बता दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है सर। कोई नंबर बताओ पहले, तो टेस्ट वैल्यू 3 ले लो। चलो 3, तो पहला पॉजिटिव है ना, दूसरा भी पॉजिटिव और तीसरा भी पॉजिटिव, पॉजिटिव है भाई तीसरा भी। ये फिर से, ये फिर से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। ओह, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ज्यादा है भाई। देखो सिर्फ एक इंटरवल ऐसा आएगा जहां पे ये डिक्रीजिंग रहेगा, बाकी तो ये इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग है। देखो और नंबर लाइन पे भी साइन शो कर देना भाई, टीचर को वहां भी देखने दो अपना आंसर। ये पॉजिटिव आया था, ये पॉजिटिव आया था, ये नेगेटिव आया और ये फिर पॉजिटिव आया। सर ये पूरी टेबल बनानी होती है? हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही शो करना है। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो सीबीएसई ब्लूप्रिंट कहती है, टीचर खुश जाएंगे देख के, कॉपी कहीं मार्क्स ही नहीं काटेंगे। आप बताओ, देखो सीबीएसई बोर्ड में टेस्ट वैल्यू का कॉलम नहीं होता, ये मैं आपको एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ। एक्स्ट्रा लिखवाने का पर्पज क्या होता है? एक्स्ट्रा लिखने का पर्पज ये होता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो हम टीचर के ऊपर एक अपना इंप्रेशन डालना चाहते हैं। अच्छा, टीचर हमें जानता नहीं है, इंप्रेशन डाल के क्या करेंगे भाई? हमारी कॉपी तो है उसके हाथ में लेकिन टीचर हमें जानते नहीं है। इसके इंप्रेशन का फायदा क्या मिलने वाला है? फायदा ये मिलने वाला है, अगर आपकी कहीं छोटी मोटी सिली मिस्टेक होगी ना, जैसे मान लो मैंने आपने आंसर लिखा है, कॉस्ट लिखी है, कॉस्ट लिख दी आपने 250, अब टीचर आपके मार्क्स नहीं काटेंगे और बच्चों के काटेंगे। किस बात के नहीं काटेंगे? आपने रुपीज नहीं लिखा। तो ये इस तरह की छोटा सा एग्जाम्पल दिया है मैंने, इस तरह की छोटी मोटी गलतियाँ टीचर फिर आपकी इग्नोर कर देते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इम्प्रेसिव वे में लिखते हैं अपनी शीट को। बाकी ऐसा नहीं है कि आपका जो पूरा क्वेश्चन ठीक है तो आपको 3 मार्क्स देने हैं, वो आपको उसमें 4 दे देंगे, इतना इम्प्रेशन नहीं कर सकते, वो 3 के 3 रखेंगे लेकिन छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर मारते जाएंगे। तो क्या मैं आपको अगला क्वेश्चन दे दूं? यस सर। यस सर। अच्छा, मुझे अगले क्वेश्चन भी ना एक चीज सिखानी है आपको, इसलिए दे रहा हूँ। बाकी अब क्वेश्चन नॉर्मल है, आप आराम से कर लोगे सारे क्वेश्चन। अब मैं तो आपको वैसे ही मतलब एक टॉप लेवल से स्टार्ट किए क्वेश्चन देने, इजी वाले दूंगा तो फटाफट से कर लोगे। अच्छा, मुझे इस क्वेश्चन के थ्रू एक चीज आपको समझानी है, पहले आप क्वेश्चन लिख लो, एक मिनट। हाँ, पहले आप फंक्शन लिख लो, x^4 - 8x³ और +22x² फिर -24x और फिर है +21, ठीक है? तो ये तो सिंपल फंक्शन है, इसमें कोई प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, तो आप जरा f'(x) बताओ मेरे को इसका जल्दी जल्दी। 4x³
4x क्यूब ठीक है, आगे चलो 24x स्क्वायर बिल्कुल सही है, और आगे चलो 44x और आगे चलो -24 ठीक है, और आगे चलो +0 नहीं लिखा, तो ये हमारा फंक्शन का एफ डैश एक्स है। इसमें मेरे को दिख रहा है भाई 4 तो कॉमन ले ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, x³ -6x² + 11x - 6। ऐसा नहीं है कि मतलब 4 हर बार हमेशा कॉमन आ जाएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, कोई बात नहीं। अब आपने वही किया, आपने एफ डैश एक्स को रख दिया 0 के इक्वल, तो आपका 4 और ये x³ और ये -6x² + 11x - 6 हो गया 0 के इक्वल। अब बस मुझे जो चीज़ सिखानी है इस क्वेश्चन के थ्रू, अब वो ये है कि इस क्यूबिक इक्वेशन से x की वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मेरा रफ पेपर आ गया ठीक है, ये रफ पेपर है मेरा, रफ है फेयर है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने इसे साइड में करना है, ये एक सॉल्यूशन के साइड में हमने रफ डाल दिया। सबसे पहले आपने ये इक्वेशन यहाँ नोट डाउन कर ली, ये मैंने भी नोट डाउन कर ली, देखो इसका जो कांस्टेंट वैल्यू है, लास्ट वैल्यू जो कांस्टेंट नंबर है वो 6 है। 6 के जो फैक्टर्स होते हैं ये 3 होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और खुद 6 होता है ना, ये 6 के 4 फैक्टर्स होते हैं, 6 इन सबसे डिवाइड हो जाता है। हम स्टार्ट करेंगे 1 से, सबसे पहले हम इसमें x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1³, ये हो जाएगा 6 × 1² ये 11 × 1 - 6 ये आ गया 1 - 6 + 11 - 6 ये -5 ये +5 हम बहुत लकी हैं ये पहली बारी में 0 आ गया। अच्छा बताओ अगर ये 1 पे 0 नहीं आता तो हम क्या पुट करते, 2 हम 2 पुट करते, और अगर ये 2 पे भी 0 नहीं आता तो 3 और 3 पे भी 0 नहीं आता तो 6 और 6 पे भी नहीं आता तो बोलो कुछ भी नहीं, छोड़ देते क्वेश्चन, -1 नहीं 0 तो पक्का आएगा 100% आएगा, फिर हम पुट करते हैं -1 फिर हम पुट करते हैं -2 फिर हम पुट करते हैं -3 फिर हम पुट करते हैं -6। आपको कभी भी इतना दूर लेके नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं लेके जाएंगे, बच्चे को बस मुश्किल से 1 या 2 पे 0 बनवा देंगे। अच्छा चलो अब 0 तो आ गया, अब क्या करना है, अब देखो x = 1 रखने पर 0 आया ना, तो इसका फैक्टर हो गया अब x - 1 = 0 ये इसका फैक्टर हो गया। इतना क्लियर है तो बताओ, मैं तब आगे समझाऊंगा। क्लियर है सर। यस। अच्छा, मैं भी रफ पेपर ही चल रहा है मेरा, मैं टर्न कर रहा हूँ पेज ठीक है। मेरा जो डेरिवेटिव था वो ये था, देखो 4 कॉमन लेने के बाद ना ये था, ये मेरा सारा रफ में चल रहा है अभी, जितना मैं रेड से लिख रहा हूँ सब रफ है ये मेरा। इनफैक्ट हम टीचर को दिखा रहे हैं लेकिन हम साइड में दिखा रहे हैं, ये है ना। अब आपने क्या करा, x - 1 को ध्यान से समझना, ये चीज 3 बार नोट कर लिया, x - 1 x - 1 x - 1 तीन बार, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x³ है तो इसके 3 फैक्टर बना दिया आपने। x - 1 मुझे कहाँ से मिला था, देखो यहाँ से मिला था ठीक है। अब आगे समझो, अब आप मेरे को ये बताओ, 4 को डालो, 4 की कोई जरूरत नहीं है, 4 को मैंने क्रॉस मार दिया। अब आप मुझे बताओ इस x में कितना मल्टीप्लाई करें जिससे x³ बन जाए, बाहर मल्टीप्लाई x² ठीक है, x² को x से मल्टीप्लाई करके बोलो क्या आया, x³ माइनस x² को 1 से भी करो x² चलो। अब आप बताओ मेरे पास -1x² आ गया है और मुझे माइनस के 6x² चाहिए, कितने और चाहिए अभी, 5 माइनस 5 तो मैंने देखो इसके आगे क्या लिखा, -5x, क्योंकि जब मैं -5x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये आ गया -5x² है ना, और -(-) ये हो गया +5x, क्या सही में आ रहा है ये, Yes, sir. अच्छा अब देखो ये बन गया x³, ये बन गया -6x². अब बताओ आपको x कितने चाहिए, 11 प्लस 6 चाहिए, तो आपने क्या किया, अब खाली प्लस 6 ले लिया, जरा 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो, +6 - 6 अब जरा मुझे चेक करके बताओ क्या ये पूरा वही बन रहा है जो ये दिया हुआ है, बन रहा है ना, तो देखो अब मैं इसके फैक्टर्स कैसे लिखूंगा, x - 1 तीनों में से कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में लिख दो x² - 5x + 6। अब ये x - 1 को ऐसे लिखा रहने दो और अब इसमें लगा दो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो तो हमें आती है, 6 से 5 लाना है, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा दी और x - 1 को लिखा रहने दो। अब मैं इसके दो फैक्टर लिख रहा हूँ, देखो एक x - 2 आएगा, एक x - 3 आएगा, ये रहे इसके फाइनली तीनों फैक्टर्स। बोलो आया समय में कुछ, सर एक बार फिर से देखो, एक बार और समझो, देखो
सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमने x माइनस वन निकाला था उसको पहले हमने तीन बार लिख लिया, ये तीन बार लिखा। अब आपने क्या करना है, फिर से देखना है कि पहला वाला जो ब्रैकेट में x है इसको कितना मल्टीप्लाई करें जिससे ये x क्यूब बन जाए, जिससे ना ये वाला x क्यूब बन जाए। बताओ कितना मल्टीप्लाई करोगे x को, x क्यूब x स्क्वायर से, है ना। तो x स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिख के ब्रैकेट खोल दो, अब ये वाला ये बन गया x क्यूब और ये बन गया x स्क्वायर। तो चलो x क्यूब तो बन गया, अब आगे देखो आपको तो माइनस के 6x स्क्वायर चाहिए, आपके पास माइनस का 1x स्क्वायर तो आ गया है, तो माइनस के कितने और चाहिए अभी, 5, माइनस के 5 और चाहिए ना। तो इसलिए आपने क्या लिखा यहाँ पे, माइनस लिया 5 लिया और एक x ले लिया। जब आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर, आपकी बात पूरी हो जाएगी, और आगे जब खोलोगे तो ये आ जाएगा प्लस का 5x। अब आप चेक कर लो, देखो ये बन गया माइनस का 6x स्क्वायर, हमें वही चाहिए था। चलो अब आगे बढ़ो, अब आपको 11x चाहिए वो भी प्लस के, आपके पास कितने x आ गए हैं जरा देखो, 5 प्लस के 5 आ गए हैं, अभी कितने और चाहिए ये बताओ, 6x प्लस के चाहिए माइनस के चाहिए, प्लस के चाहिए, है ना। तो प्लस का 6 ले लो क्योंकि x उसको मिल ही जाएगा अंदर, अब तो ये प्लस का 6x हो गया और ये माइनस का 6। देखो पूरा का पूरा तैयार कर दिया हमने, ये रहा x क्यूब, ये रहा माइनस 6x स्क्वायर, ये बन गया 11x और ये रहा माइनस 6, देखो पूरा बन गया ना। अब हमने क्या किया, x माइनस 1 को तो कॉमन ले लिया, ये रहा कॉमन देखो ये लिया हुआ, और जो अंदर आपने लिया था ना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये आपने एक ब्रैकेट में लिख दिया, और बस इस x माइनस 1 को तो चलने दो, इसका काम खत्म हो चुका है, इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओ, ये आपके तीन फैक्टर तैयार हो गए। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये किसी बुक में नहीं मिलेगा। अब मैं अपने क्वेश्चन पे वापस आता हूं, ये मेरा क्वेश्चन मैंने यहां छोड़ा था ना, तो मैं देखो अब क्या करूंगा, यहां लिखूंगा 4 के साथ तीन फैक्टर, एक x माइनस 1, एक x माइनस 2 और एक x माइनस 3। एनसीईआरटी में भी कैसा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी भी नहीं बताती कि इसके बाद ये कैसे आए हैं, वो यहाँ पे एनसीईआरटी आप देखोगे ना वो ऐसे लिख देते हैं y, अरे भाई y क्यों बोल रहे हो, बताओ ना कैसे आया, लिख देंगे y, अपना भूल लो मतलब। चलो अब तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, अब जरा मुझे x की वैल्यूज बोलो, 1, 2, 3। अब तो आगे का प्रोसेस हमें आता है, फिर एक वो नंबर लाइन बना लेना, फिर नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना, फिर वो टेबल पूरा बनाना है, और बस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर आपने लिखनी है। तो मुझे इस क्वेश्चन के थ्रू जो समझाना था वो ये इंपॉर्टेंट काम था कि जब क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी तो उसमें आपको तीन फैक्टर ये वाले कैसे फाइंड आउट करने हैं। ये भी मैं आपको बताऊं, क्लास 12 के बच्चे बहुत सारे, अब मैं आप लोग की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे बच्चे इसके फैक्टर्स करना नहीं जानते, एक दो की बात नहीं है बहुत सारों की बात बता रहा हूँ, हमारे करंट सेशन में स्कूल में काफी बच्चों से इसके फैक्टर ही नहीं हुए थे। सर एक बार आप नेक्स्ट पेज चेंज कर सकते हो, श्योर, ये काम रफ में मत करना, मैं तो कहता हूँ फेयर में करो, दिखाओ टीचर को आपने क्या किया है, पता चले उनको कि हमने कैसे निकाले हैं फैक्टर्स। और देखो अगर आपको ये डिवाइड, ये मतलब ये आपको टफ लग रहा है ना, तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, वैसे कर लो, सीधा सीधा 10th क्लास का मेथड है, x माइनस 1 को बाहर लिखो और जो आपको बनाना है ना ये x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इससे इसको डिवाइड कर लो, ये डिवाइड ही तो किया था मैंने जो देखा जाए एक तरह से। अब देखो x से x क्यूब लाना है, x स्क्वायर लिया आपने, x स्क्वायर इंटू x, x क्यूब, x स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस x स्क्वायर, साइन चेंज कर दिया 10th क्लास में जैसे करते थे, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस का 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब x से माइनस 5x स्क्वायर लाना है भाई, आपने माइनस का 5x ले लिया, तो ये हो गया माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x, आपने साइन चेंज किए, बिल्कुल वही 10th क्लास वाला डिवीजन, ये कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया अब 6x और माइनस 6 ये आ गया, अब आपने ले लिया एक प्लस का 6, तो ये आ गया 6x और ये माइनस 6, देखो यही तो आया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आया, वो हमारा इससे भी आया था। तो अगर आपको ये चीज़ समय में नहीं आती, आपको लगता है भी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, तो भी डिवाइड करके कर लो, बोलो भाई, यस सर, क्लियर सबको, यस सर। तो हम इसमें भी एक क्लास और लगाने वाले हैं, और मैंने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स की सेकंड शीट डाल दी थी भाई, तो आप लोग कर लो और मुझसे प्रॉब्लम पूछ लो भाई, क्योंकि आज मैं मोस्ट ऑब्ली आपको आज वो डाल दूंगा। इसका वैसे आंसर आपको बताऊं क्या आ रहे हैं, माइनस इनफिनिटी से 1 तो आ रहा है डिक्रीजिंग, 1 से 2 आ रहा है इंक्रीजिंग, फिर 2 से 3 फिर डिक्रीजिंग, और 3 से इनफिनिटी में आ रहा है फिर से इंक्रीजिंग, मतलब ऑल्टरनेट आ रहा है ये तो। yes.
सर जो वर्कशीट आपने डाली थी उसमें डाउट नहीं है। अच्छा एक काम करो, अभी तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में ड्यू है, आप सपना भी वर्कशीट करके रखना, अभी देखो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे बहुत सारे हैं, 10-15 मिनट आधे घंटे का काम मैक्सिमम है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं सबके डाउट एक साथ दूंगा, लेकिन कर लेना भी जरूर सब लोग। सर वो क्लास कोड भेज दो गूगल क्लास। अच्छा मैं भेज रहा हूँ बेटा, अभी भेज रहा हूँ, बस एक मिनट रुको। ठीक है तो एंड करें भाई, थैंक यू सर, चलिए अभी मिलते हैं, थैंक यू और टेक केयर, जय हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर, जय हिंद।